चलिए, लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक था अधूरा रह गया था वो था कंपाउंड जनरल एंट्रीज के बारे में। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अब तक हमने जितनी भी एंट्रीज की हैं वो सिंगल जनरल एंट्री है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, सिर्फ एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब हमें देखनी थी कंपाउंड जनरल एंट्रीज, यानी कि वो एंट्रीज जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट जो है या तो डेबिट हो सकते हैं या क्रेडिट हो सकते हैं। अब एक ट्रांजेक्शन मैंने करवा दी थी और एक ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आपको असाइनमेंट में भी दिया था। अब असाइनमेंट में जो आपने किया था वो कुछ इस प्रकार से था, जैसे कि मान लीजिए यही है। अब इसकी हमने ट्रांजेक्शन देखी थी कि इस प्रकार से आनी चाहिए थी। तो बेसिकली क्या है, जब भी आप ये एंट्री करेंगे तो आप एक ही एंट्री करेंगे, अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास कुछ बच्चों ने जब उसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेजा, उसमें उन्होंने इस तरीके से किया था कि कैश अकाउंट डेबिट 80,000 से, कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 से, एक एंट्री ये कर दी, फिर कर दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,00,000 से। एंट्री ये भी गलत नहीं है, आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, बट एक्यूरेट वे ये होता है कि आप कंपाउंड एंट्री करें। कंपाउंड एंट्री का मतलब एक ही एंट्री में सारी चीज़ें शो कर दें। अब क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों एंट्री एक ही तारीख को हो रही है, एक ही दिन हो रही है, तो पहली चीज़ अगर दो एंट्रीज एक ही दिन हो रही हो, दूसरी चीज़ दोनों एंट्री अगर ऐसी होती है जिसमें कोई एक ही अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है, कॉमन अकाउंट, और एक कॉमन अकाउंट डेबिट में आ रहा है। जैसे अगर हम ये बात करें इसकी, तो कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल, इसमें भी क्रेडिट में कैपिटल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल, इसमें भी कैपिटल क्रेडिट में। तो आप अलग अलग बजाय दिखाने के बजाय आप कर सकते हैं कि दो तो डेबिट में लिख दें, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 से, साथ में ही फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,20,000 से, 2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। हमने कैपिटल इकट्ठा दिखा दिया, जो कैश के फॉर्म में आया है 80 वो भी, और 1,20,000 जो फर्नीचर के फॉर्म में आया है वो भी। तो हमने 2 कैपिटल क्रेडिट में इकट्ठे 2,00,000 लिख दिए और डेबिट में अलग अलग चीज़ें दिखा दें। ठीक है, अगर आपको फिलहाल ये चीज़ ना समझ में आ रही हो और आपको ये मन में लगता हो कि नहीं सर हम तो अभी अलग ही करना चाहते हैं, तो फिलहाल आप अलग कर लें, बट एट द एंड आपको करनी यही चीज़ें। तो देखिए अगली एंट्री क्या है, परचेज फर्नीचर एंड फिटिंग ₹30,000। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें परचेज किया गया है। ठीक है, परचेज किया क्या है, अगर गुड्स परचेज किए होते तो एक अकाउंट आ जाता हमारा सीधा सीधा परचेज का, बट यहाँ पे फर्नीचर किए हैं, फिटिंग्स परचेज किए, तो ये एसेट्स होते हैं हमारे। और आपको पता है एसेट्स जब भी परचेज किए जाते हैं तो एसेट्स के नाम से लिखे जाएंगे। सो दो अकाउंट तो यहाँ पे कौन से आ गए, एक तो आ गया फर्नीचर अकाउंट और एक आ गया फिटिंग अकाउंट। अब दोनों परचेज किए हैं तो बदले में क्या दिया है, कैश दिया है, बैंक से पेमेंट की है, ऑनलाइन पेमेंट की है, उधार सामान खरीदा है, कैश में परचेज किया है। जब हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ और सीधा ये कह दिया 90,000 और 30,000 के सामान खरीदा है, तो कैश से परचेज किया है। तो अब देखो इसमें दो चीजें तो ऐसी होंगी जो डेबिट होंगी और एक चीज होगी क्रेडिट। जब हमने फर्नीचर खरीदा तब फर्नीचर पे कौन सा रूल अप्लाइड होगा, रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इफेक्ट क्या हो गया, फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस, तो फर्नीचर तो होगा डेबिट। कितने रुपए से डेबिट होगा, देखो कितने का फर्नीचर खरीदा है, 90,000 का, तो फर्नीचर कम्स इन डेबिट हो गया। यहाँ पे अमाउंट गलत लिख दिया है, 90,000 आना था, ऊपर फर्नीचर 90 का दे रखा है तो 90,000 आना था। फिटिंग्स देखिए, फिटिंग्स भी हमारे एसेट्स होती हैं। ठीक है, इसमें भी फिटिंग्स बिजनेस के अंदर आ रही है, ये भी डेबिट हो गई 1,20,000, यहाँ भी अमाउंट गलत दे दिया है, ऊपर फिटिंग्स 30,000 की दी हुई है। अब कैश देखो, जब एक बार फर्नीचर खरीदा तब तो 80,000 का कैश दिया है, फिर फिटिंग्स खरीदी तब 1,20,000 का कैश दिया है, तो टोटल कैश कितना गया है बिजनेस में से, टोटल कैश गया है 2,00,000 का। तो हम एक ही कंपाउंड एंट्री क्या कर देंगे, फर्नीचर डेबिट 80,000 से, फिटिंग्स डेबिट 1,20,000 से, टू कैश अकाउंट 2,00,000। अब क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर हो गया, दोनों डेबिट को जोड़ के 20,00,000 हो, 2,00,000 हो गया सॉरी, और क्रेडिट का टोटल भी 2,00,000। ऐसे ही अगली एंट्री देखते हैं क्या है, पेड रेंट
2000 एंड सैलरी 3000। 2000 का रेंट दिया है, 3000 की सैलरी दी है, दोनों खर्चे हैं, रेंट भी खर्चा है सैलरी भी खर्चे हैं। खर्चे क्या होते हैं हमारे, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो दो चीजें तो यहाँ पे आ गई, रेंट और सैलरी, दोनों डेबिट होंगी। दोनों डेबिट होंगी तो एक चीज क्रेडिट भी होगी। क्रेडिट क्या होगी, देखो रेंट दिया है सैलरी दी है, किस फॉर्म में पेमेंट की हमने, हमने क्या चेक से पेमेंट की है? अगर चेक से पेमेंट की होती तो बैंक से पैसा जाता, बैंक अकाउंट लिख देते, लेकिन यहाँ हमने कैश से पेमेंट की है। तो तीसरा अकाउंट कौन सा आ गया, कैश अकाउंट आ गया। रूल अप्लाइड, देखो रेंट पे एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, और सैलरी भी एक्सपेंस है इस पर भी नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, कैश में रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। सो डेबिट हमारी दो चीजें 2000 3000, कैश हमने टोटल दिखा दिया 5000 से गया। ये भी कंपाउंड एंट्री है क्योंकि दो अकाउंट्स आपके डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड कैरियज एंड कार्टेज, किराया है बेसिक, दोनों का मतलब किराया है, सामान को लेके आने पर जो किराया लगा, 900 रुपये का किराया दिया और 1100 रुपये का किराया दिया। तो दो तो एक्सपेंस हो गए, कैरियज और कार्टेज। एक्सपेंसेस किए किस फॉर्म में है, कैश के रूप में किए हैं। एक्सपेंसेस में नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, दोनों एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव अमाउंट से। यानी कि कैरियज 900 का दिया तो 900 से डेबिट, कार्टेज 1100 का दिया तो 1100 से डेबिट। कैश टोटल कितना गया बिजनेस से, 2000 का कैश गया है, 900 तो जब हमने कैरियज दिया तब और 1100 जब हमने कार्टेज दिया तब। तो इसकी हमने कंपाउंड एंट्री कर दी। आप अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, कैरियज डेबिट 900 से टू कैश अकाउंट 900, फिर दिखा दे कार्टेज 1100 से डेबिट और कैश भी 1100 से क्रेडिट, बट ऐसे करेंगे तो सही रहेगा। 55th ट्रांजेक्शन है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ शॉप ₹1000 एंड ऑफ हाउस ₹500। यानी कि बिजली का बिल दिया है, तो एक चीज तो हमें दिख रही है कि भाई बिजली का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अब दिया किसने है, कैश में दिया होता तो कैश आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो दो ही अकाउंट आए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक कैश, फिर कैसे ये कंपाउंड एंट्री है? कंपाउंड एंट्री ऐसे है कि देखिए बिल दिया किस किस चीज का है। एक बार तो दिया है दुकान का, दुकान तो बिजनेस का खर्चा हो गया, तो बिजनेस का खर्चा है तो एक्सपेंस हो गया, तो एक बार तो आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस पे रूल अप्लाइड कौन सा हो जाएगा, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का, इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 1000 रुपये से। अब देखिए दूसरा बिजली का बिल किसका दिया है, घर का, किसके घर का, मालिक के घर का। तो ये कौन सा यूज हो गया, ये पर्सनल यूज है, ऑफिस यूज नहीं है, ये है पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज के लिए कोई भी काम किया जाता है तो कौन सा अकाउंट आता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट आते हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हो गए जो डेबिट होंगे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक ड्रॉइंग्स, दोनों की पेमेंट कैश में की है तो कैश हो गया। ड्रॉइंग्स क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट आता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मालिक को तो 500 रुपये बिजनेस से मिले हैं, तो ओनर इज द रिसीवर, सो ही विल बी डेबिटेड विद ₹500। कैश बिजनेस से तो जी 1500 रुपये गए हैं टोटल, 1000 तो बिजली का बिल ऑफिस के लिए और 500 रुपये जो मालिक ने ड्रॉइंग्स की उसकी, बिजनेस से तो 1500 का कैश माइनस हुआ है। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको जो लास्ट असाइनमेंट दिया था उसमें था, उसमें था कि रेंट की पेमेंट की थी, उसमें रेंट की पेमेंट की थी अपने घर की। वेदांत एक बार अपना माइक म्यूट कर ले, अगर डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो एक बार माइक म्यूट कर ले ताकि अननेसेसरी डिस्टरबेंस ना हो। अब मुझे वो एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन याद नहीं आ रही है, वो ट्रांजेक्शन कुछ ऐसी थी कि रेंट पेड फॉर हाउस था शायद से, वो मैंने प्रियंका और एक बच्ची और थी उसने दिया था, साक्षी ने शायद से, उसका करेक्ट करके मैंने बता दिया था कि क्या प्रॉब्लम थी। वेदांत माइक म्यूट कर ले बेटा एक बार। ठीक है, तो उसमें भी गलती उन्होंने ये कर दी थी कि रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया था,
जबकि वहां पे ड्रॉइंग्स अकाउंट आना था क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स की गई थी। चलिए 56 है, पेड वेजेस रुपीज 2000 एंड मटेरियल बिल रुपीज 5000। वेजेस यानी जो लेबर थे उनको उनके जो दिहाड़ी दी वेजेस थी वो दे दी 2000 की, और मटेरियल बिल 500। मटेरियल बिल मतलब कुछ मटेरियल खरीदा होगा, रॉ मटेरियल वगैरह, वो 500 रुपए का आया। तो दोनों ही खर्चे हैं बिजनेस के लिए, वेजेस भी खर्चे हैं क्योंकि पेमेंट की है, मटेरियल बिल भी खर्चे हैं। दोनों की पेमेंट की कैसे गई है, कैश से पेमेंट की। तो वेजेस एंड मटेरियल बोथ आर एक्सपेंसेस, सो विच रूल विल बी फॉलोड, नॉमिनल अकाउंट रूल विल बी फॉलोड। इफेक्ट क्या होगा, बोथ आर एक्सपेंसेस सो बोथ विल बी डेबिटेड, किस अमाउंट से, विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट, दैट इज वेजेस विल बी डेबिटेड विद 2000 रुपीज एंड मटेरियल बिल विल बी डेबिटेड विद रुपीज 5000। बिजनेस से कैश कितना गया, बिजनेस से कैश 7000 रुपए का गया है, 2000 जब वेजेस दी तब और 5000 जब बिल दिया तब। अब ये कंपाउंड एंट्री क्यों है, क्योंकि एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट में आ गया, दो अकाउंट डेबिट में और एक अकाउंट क्रेडिट में। पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रुपीज 2500 एंड बैंक चार्जेस रुपीज 500। देखो जब हम बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम एक ट्रांजैक्शन और देखते हैं। वो ट्रांजैक्शन ये है कि बैंक जनरली ना चार्जेस करता है अपने, जैसे बैंक हमें एसएमएस के द्वारा बताता है ना कि आपके अकाउंट में से इतना पैसा निकाल दिया, इतना पैसा जमा हो गया, तो बैंक कुछ चार्ज लेता है हर 6 महीने, हर 3 महीने के अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। ऐसे ही बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो लोन के बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है। सो जनरल प्रैक्टिस क्या होती है कि ये जो पैसा कटता है, देखो दो अकाउंट तो यहाँ पे क्या हो गए, एक तो इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक, एक हो गया बैंक चार्ज। दोनों ही खर्चे हैं बिजनेस के लिए क्योंकि दोनों की पेमेंट कर रहा है, तो बिजनेस के लिए तो खर्चे हैं, एक्सपेंसिस है तो डेबिट हो जाएंगे। अब क्रेडिट क्या होंगे, यहाँ पे क्रेडिट जनरली गलती ये कर देते हैं बच्चे की, यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे भी कैश अकाउंट ही दे रखा है लेकिन ये गलत दे रखा है। बैंक अपने जो चार्जेस करता है वो कभी भी जो जिसने डिपॉजिटर है, जिसका खाता है, उसके पास फोन करके ये नहीं कहता कि 500 रुपये बैंक में आके जमा करवा जाओ। वो क्या करता है, उसके खाते में से डायरेक्टली 500 रुपये कट कर लेता है, ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए होता है। यानी बैंक जो भी चार्ज करेगा ना वो अपने अकाउंट में से खुद ब खुद डिडक्ट कर देता है, तो खुद ब खुद डिडक्ट कर देता है, तो पैसा जा कहाँ से रहा है, पैसा बैंक अकाउंट से जा रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी ऐसे इंटरेस्ट की पेमेंट है बैंक लोन में या बैंक चार्जेस हैं, तो आप कैश के बजाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू होती है। जैसे हमने ऑनलाइन पेमेंट देखा था, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे, तो हम बैंक अकाउंट को लिखते थे क्योंकि वो पेमेंट किसके थ्रू हो रही थी, बैंक के थ्रू हो रही थी। सिमिलरली ये एक्सपेंसेस बैंक के थ्रू होते हैं। तो देखिए पहले दो तो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, दोनों डेबिट होंगे क्योंकि एक्सपेंस है अपने अपने अमाउंट से, 2500 और 500। अब बैंक में से टोटल कितने रुपए कटेंगे, बैंक में से टोटल 3000 रुपए कटेंगे, 2500 तो बैंक लोन के जो इंटरेस्ट के होंगे और 500 रुपए जो बैंक के चार्ज के। आगे आ जाएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट, कौन सा रूल फॉलो, रूल फॉलो होगा पर्सनल अकाउंट का। इफेक्ट क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे बैंक पैसा दे रहा है सो बैंक विल बी द गिवर एंड गिवर आर क्रेडिटेड। तो यहाँ एक नई चीज सीखने को मिली आपको। नेक्स्ट देखिए, कमीशन मिला है, इंटरेस्ट मिला है, सिंपल सी चीज, दो चीजें मिली है, दो अकाउंट तो दिख रहे हैं, कमीशन एंड इंटरेस्ट, दोनों के दोनों इनकम है क्योंकि बिजनेस को मिल रही है। बिजनेस जब पेमेंट करता है तब तो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, जब पैसा मिलता है तो इनकम होती है। इनकम आर क्रेडिटेड, नॉमिनल अकाउंट कहता है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड बट ऑल इनकम एंड गेन्स आर